हमेशा आई ऑलवेज फील, एंड मेरे गुरु लोग ने हमेशा ये किया कि गायक के बाद तबला जाता अंदर. दिस इज माई फीलिंग पर्सनली. क्योंकि आप बजाओगे तो किसको सजा रहे हो आप, धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना धिन, कितना बोरिंग होगा. आप समझ आ रही मेरी बात में क्या कह रही हूँ मैं? बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ. बिल्कुल सही है. क्योंकि जिस तरह उन्हें गाना है ना, तो उस गाने के अंदाज विच जिन तू बजाएगा ना, उसका अंदाज अलग होएगा. या तो सिर्फ टुकड़े कर लो. बता देना ताकि आप अपना काम मुकम्मल कर लें, तो उसके बाद फिर हम इसी चीज को आप हमारे लिए दोबारा से आप कर देंगे एक एक्ट के तौर पे, तो वो फिर हम उसको तब रिकॉर्ड कर देंगे. फरासा बताएंगे जी, अगर आप जब अपना काम मुकम्मल कर लें, अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो एक एक्चुअल काम चल रहा है रिकॉर्डिंग का, मिक्सिंग का, वो ऐसे हमारी मूवमेंट से और एक दूसरे को कॉलिंग से डिस्टर्ब हो रहा है, वो तो हो जाएगा, तो आप हमें रोक दीजिए, आप उसको मुकम्मल कर लीजिए. मैं कह रही थी अभी थोड़ा सा कर ले, अभी जो थोड़ा सा कर ले जी, ठीक है ना, और फिर हम रिहर्सल में थोड़ी वो कर रिहर्सल हम थोड़ा सा आपको दे देते. आप हमें बता दीजिए कि अब हम फाइनल टेक करने लगे, फिर हम बाहर चले जाएंगे. आप ले हाँ सर, ऐसी भी चीज ऐसा रोल की तरह. दोबारा बोले. तो हम अगर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इफ यू लिसन टू द वो वाला आप सुनेंगे ना, तीन ताल वाला, तो वो बैठा वो जरा उठान ठाट विलंबित, वो विलंबित की शक्ल में आ रही. मगर दुरुद की तिहाई, दुरुद की एंट्री है, जाती है विलंबित पे और बिल्डअप होना शुरू होता. हम उसका बिल्डअप नहीं रख रहे, हम अपने तराने की बिल्डअप रख रहे. अब ये करेंगे कि इसको ऐसे कट होगा ना, बिल्कुल कट करना पड़ेगा उसको. कहाँ कट? जब ताल की टेम्पो की ये तिहाई बजेगी और फिर वो आगे स्ट्रेच लेगी, बीच में वो जहाँ ट्रांजिशन आ रहा है, ट्रांजिशन में वही मैं कट, सम का कट तो आएगा, सम तो आएगा ना, फिर उसके बाद दो तीन चार, हाँ ये ठीक है, ठीक है, जैसे कर हाँ ये ज्यादा बेहतर, ज्यादा खूबसूरत है. ये आएगा ना, ठीक है, पहले छोटी आए थे.
तिहाई का पैकेट है, दी किट पैकेट। अच्छा चलो ठीक है, तो कितने अब तुम दो जावे दी ना दी दी ना दी ना दी दो आवर्तन जान के एक 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 की जाना दी ना दी दी ना दी ना ये चला गया। हाँ वो काट देगा, इसने इसने लूप बनानी ना, बीच में क्लियर नहीं है वो, क्लियर कर। That is better.